पाकिस्तान में गिरता राजनीतिक स्तर इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानियों ने खुद अपने देश को नीलाम करने का फैसला कर लिया है। संसद भंग होने के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक पीटीआई को चुनाव से ठीक पहले बर्बाद करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब बस पार्टी का जनाजा उठना बाकी रह गया है, सो वो भी जल्द हो जाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जेल जाने के बाद अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक कुरैशी को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक संघीय जांच एजेंसी यानी FIA ने साइफर की चल रही जाँच के सिलसिले में कुरैशी को इस्लामाबाद स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया। पीटीआई का आरोप है कि इसमें इमरान खान को सत्ता से बाहर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से धमकी दी गई थी। बता दें, साइफर गेट केस पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा पिछले साल सत्ता से बाहर होने के बाद किए गए दावे से जुड़ा है। खान ने दावा किया था कि उन्हें अमेरिकी साजिश के तहत सत्ता से बेदखल किया गया है। उन्होंने अपने विरोधियों को कोसने के लिए एक राजनयिक केबल का हवाला तक दिया। पार्टी के अकाउंट पर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि पीटीआई उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को एक बार फिर अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। पार्टी ने कहा कि उन्हें एक बड़ी पुलिस टुकड़ी ने हिरासत में लिया है। इमरान खान की पार्टी के महासचिव उमर आयुब खान ने भी ट्विटर पर कुरैशी की गिरफ्तारी की खबर शेयर की। आयुब ने कहा कि एक प्रेस वार्ता के बाद घर पहुंचने पर कुरैशी को हिरासत में लिया गया। उमर ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उपाध्यक्ष मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को 25 मिनट पहले इस्लामाबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद घर पहुंचे थे। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त इमरान खान के बाद पीटीआई को संभाल रहे थे और अब उनकी गिरफ्तारी से पार्टी को एक और झटका लगा है। बता दें, तोशखाना मामले में इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने और 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों के बाद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई। अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस के सहयोग से लाहौर में उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद भेजा गया और तब से वो जेल में हैं। वहीं उनके बाद शाह महमूद कुरैशी पीटीआई को संभाल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।